हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अब जो क्योंकि मेरे पास डब्बे नहीं थे, ये अब नानों के लिए और ये तो उनका आमिर ही, हमारा नहीं है किसी का, ये तीन मामू की फैमिली के लिए, ये हुमा के लिए डाल रही हूँ मैं अब। वो डब्बे वाले नानों के हैं क्योंकि नानो एक ही है ना, फिर उनको इतने चावल वैसे ही नहीं खाती। अपने बेटे की शॉप पे भेज रही हूँ सुहेल और हसन के लिए, एक और भी साथ लड़का, एक और भी लड़का होता तीनों मिलके खा लेंगे। हसन की खबर पूछते रहते हैं। चावल हमें देखो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आज काफी दिनों बाद मैं कुछ थोड़ी सी अल्लाह पाक में खुशी दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आज मेरे हसन के टेस्ट हुए थे, उसकी रिपोर्ट्स माशाल्लाह आ गई हैं और पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मैं इन कुछ दिनों में जो मैंने पीछे 15 दिन गुजारे हैं, मैंने बहुत अजियत के गुजारे हैं। मैंने अपने बेटे की बहुत तकलीफ देखी है, बहुत परेशानी देखी है, हम सब ने मिलकर, सब घर वालों ने, हम सब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसके दोबारा तीसरी बार टेस्ट करवाए हैं, अल्लाह का शुक्र है बेहतर आए हैं पहले से। तो मैंने जब वो हसन बहुत ज्यादा बीमार हुआ था, मैंने अल्लाह पाक से मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं अल्लाह के नाम की जितनी मेरी तौफीक हुई, जितनी भी मेरी है, मैं थोड़े से चावल बांटूंगी। तो इरादा है इंशाल्लाह सुबह चावल बनाने का, तो जिसके लिए मैंने रात से ही थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि गैस का बहुत ज्यादा इशू होता है। तो मेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोशिश होगी कि सुबह उठते ही फर्स्ट टाइम मैं ये काम कर लूं, क्योंकि इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने रात को ही सारी चीजें कंप्लीट करके रख ली हैं। ये देखें मैंने हत्ता कि यहाँ तक कि ये बड़ा पतीला भी बाहर निकाल के रख लिया है। मैंने कहा सुबह टाइम शॉर्ट होगा तो ये ऐसे काम पहले से करके रख लें। और ये मैंने चावल मंगवाए हैं, ये चावल थोड़े से चावल मंगवाए हैं, और ये प्याज मंगवाए हैं थोड़े से, ये प्याज और अदरक लहसुन ये चीजें, ये मैंने थोड़े से टमाटर, आपको पता है टमाटर कितने महंगे हैं, तो ये मैंने थोड़े से मंगवा के रख लिए हैं। और ये धनिया रायते के लिए, मूलियां सैलेड के लिए, क्योंकि चनों वाले चावल बनाने हैं, और थोड़े से मैंने दही की जाग लगा ली है, तो इंशाल्लाह फिर सुबह बनाएंगे। चने भी मैंने भिगोए हैं, ये देखें कुछ मैंने चने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सौदा मंगवाया है। सुबह इरादा है ये मूंगी साबत दाल, ये भी इंशाल्लाह बनाने का इरादा तो है आगे जैसे अल्लाह का हुक्म, क्योंकि अक्सर ज्यादातर हमारे घर में वो चावल शौक से नहीं खाते, तो खासकर आमिर चावल नहीं खाते, मैं भी नहीं चावल खाती, तो इसकी वजह से मन का साफ कोई सालन भी बनना चाहिए, फिर मैं दाल बना लूंगी साहब। ये चने हैं, चने मैंने कुछ बॉईल करके रखे हुए हैं और कुछ मैंने भिगो दिए हैं चने, कुछ भिगोए भी हुए हैं मैंने अंदर कमरे में रखे हुए भिगो के, क्योंकि इधर हमारे बिल्ली बहुत ज्यादा तंग करती है, 3-4 दिन से बिल्ली इतना तंग कर रही है, एक दिन हमारा दूध पी गई सारा बिल्ली, और आके बर्तन भी खराब करती है, फिर इसलिए मैंने किचन इस वक्त मैं सारा नीट कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ किचन। और जो मैंने चने भिगो के रखे हैं वो मैंने अंदर रख ली हैं कमरे में ना, ताकि बिल्ली रात को खराब ना करे, फिर सुबह उठ के इंशाल्लाह उसको बॉईल करेंगे। और इंशाल्लाह जो बाकी वीडियो मैं इंशाल्लाह सुबह कंप्लीट करके फिर आपको कल जरूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रात के ये 11:30 हो गए हैं, देखें 11:35 का टाइम है, और ये नीचे बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, आमिर सो गए हैं मेरा ख्याल है, ये देखें ये बच्चे खाना खा कर गए हैं, और हम थे दूसरे रूम में कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे थे। ये देखें ये मैंने चने भिगोए हुए, पानी खुश्क हो गया, इसमें पानी डालती हूँ, और काफी देर से भिगोए हुए, ये अब इसको सुबह वेट लगवाऊंगी और इंशाल्लाह फिर खाना सुबह सुबह इंशाल्लाह बना लेंगे। तो हमारा कैमरामैन तो सोया होगा, कोशिश करूंगी इसे सुबह उठाऊं,
ताकि वीडियो हमारी बना सके और आपकी खिदमत में हम पेश कर सके। हसान भी मेरा भी भाई के साथ नीचे बैठा हुआ है, अपनी ताई अम्मी के पास बैठा हुआ है, ताई अबू के पास बैठा हुआ है। आज अपने ताई अबू के साथ गया था डॉक्टर पे, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे के लिए खास दुआएं की, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत शुक्रिया आप सब बहन भाइयों की दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मदद से अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है आपका मेरे पे। तो इसे अल्लाह पाक जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत वाली जिंदगी दे। आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लाहौर में भी मैंने सुना बहुत फैला हुआ है और अक्सर मैं टीवी पे भी देखती रहती हूँ। तो अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। हाँ जी, सुबह हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात को कि हमने सुबह सुबह उठ के चावलों का आज इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाया है बांधने का। तो चावल मैंने भी रोज ही हैं, चने हैं, बॉइल हो रहे हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ। आज ये चने बॉइल हो रहे हैं, वेट लग रहे हैं इनको, जो रात को भी गोए हुए थे। और चावल मैंने अभी किए भी गोए हैं, प्याज काटे हैं, अदरक लहसुन में आप बना रहे हैं। अब दुआ कीजिए अल्लाह पाक मेरी मदद करे और जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक इधर लाइट का भी बहुत इशू है और गैस का भी बहुत इशू है। दोनों काम ना हो और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह मदद करे और हमारे काम जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। आसान की वजह से, आसान की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से जो है ना ये तमाम कर रहे हैं अल्लाह के नाम का। तो उसे अल्लाह ने सेहत दी है और वो बेहतर हो गया अब। तो ये अब तैयारी कर रहे हैं पुलाव की, चने की, ये जो है ना थूम और अदरक काटी जा रही है और ये प्याज बनाए हुए हैं। बाकी इंतजाम इन्होंने मूंगी कापस का भी किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि उसे भी ये टच देना चाहते हैं। मूंगी कापस भी साथ पका लेंगे। जी व्यूज, अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हैं मम्मी विद हसान और हसान विद अम्मी के चैनल पर। आप ये चने वाले चावल पका रहे हैं बिरयानी, और ये कहते हैं कि हमने नहीं बताना, हमने इसको रात में रखना है कि हमने इसमें क्या क्या डालना है। बाकी एक आधी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे ये अचार वाले बनाएंगे बहुत टेस्टी, तो आप अगर हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ये चने बॉयल किए हुए हैं मैंने, ठीक है ना जी, मिसेस मेरी ने, और ये इन्होंने चावल भिगोए हैं, ये मसाले भी पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अदरक वगैरह थूम टमाटर, तो ये इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ दिखाते जाएंगे। हाँ जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे अब दम के लिए रेडी हैं। अब हम इस चावलों को दम पे रखने लगे हैं, इसके बाद जब हम तकसीम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जरूर आपको दिखाएंगे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि चावल तैयार हैं और अब हम ये बांटने लगे हैं। माशाल्लाह जी, सुबह से तैयार है मगर अब उठे हैं सब, तो मैंने कहा सबको बांट दूं। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जिसमें हर चीज डाली गई है और बहुत ही लजीज होंगे, अल्लाह करे सबको पसंद आ जाए। तो ये ना खाने से तो पता लगेगा, लेकिन ये भी ये किस करिए, ये मोहल्ले में नहीं देने, बांटने वो भी बता दे जाए ना उसके हिसाब से, ऊपर नीचे रखेंगे ना। नहीं नहीं, ये आप उसके ऊपर रख देना, किसी की है ये प्लेटें, एक प्लेट और आ जाएगी ना उसके ऊपर, फिर वो दोनों कटी हो जाएंगी। नहीं नहीं, ये किसी की है ना, मेरे प्लेटें किसी की है, और दोनों हो गई। अच्छा,
ये ट्रे धो लो पहले। नहीं इसी में तो मैंने चावल दिए अभी उनको धोना ना, हमें इसी में चावल दिए थे। मुझे लगा कुछ और मोहल्ले में के लिए रख रही हूँ ना, अभी सब दे आना आप लोग। पहले मोहल्ले में देंगे फिर पाल से देंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। पर बोलो ये जो है माशाल्लाह देव की तरह बनाए हैं, इस पर मेहनत भी बहुत हुई है जो है ना, इसमें तैयार कर रहे ये आप ग्रांट दे रहे खा कर देखें, यकीन करें आप बस ख्वाब में, वैसे तो आप खा नहीं सकते भारत। वाई फाई ग्रांट दे रहा क्यों भाई आप? अच्छा दोरंगा में डब्बा निकाल के दो, दुख सुख चैनल, दुख सुख चैनल वालों के भी चावल देने हैं। ठीक है वो तो स्पेशल है जी हमारे लिए, दुख सुख उन्होंने चैनल का नाम ही ऐसे रखा है कि बंदा डूब चुब जाता है, क्योंकि दुख सुख वाला बंदा। मिस यू रशीद, तुम होते तो तुम्हें भी जरूर चावल खिलाते, और बाकी सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरी अम्मी मिस ना नहीं। माशाल्लाह जी ये मिसेज की क्वांटिटी बनाई थी इन्होंने तकरीबन 3 किलो जो है ना, ये 3 किलो चावल है, 3 किलो चावल बनाए थे अल्लाह ने बरकत डाली। चावल में जो है ये 1 किलो इन्होंने चने डाले थे, नहीं आमिर 1 किलो से ज्यादा ही थे, 1 किलो से ज्यादा यानी कि कुछ बचे हुए थे हमारे पास पाइया पहले से कह लें। पाइया नहीं ज्यादा, एक मुना बाजी की है और वो ट्रे दो ना, एक रिदा और वो दो। ये रिदा और मोमना की ऊपर ये 3 डिशे ये मेरी फैन है गुड्डी बाजी जो है ना, इनकी जो है ना वो पुफो ये उसके घर जा रहे हैं, रीता और विद ओबीसी एंड एंड यानी कि मोमना और मुना भाई एक जाना तो आ जाए मेरे साथ। अभी मोहल्ले वाले को दे ना यार, अभी मोहल्ले आप भी कुछ बोल दो, आपकी सेहत बोलो ना। वो मेरी सेहत के लिए मेरी मम्मा ने बांटे हैं अल्लाह ताला भी मेरे से। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। दोपहर के 1 बजने लगे हैं और मैंने चावल सब तकसीम कर दिए हैं, क्योंकि मैंने कहा अब खाने का भी टाइम है, सब लोग खा लेंगे, गर्मा गर्म चावल है। तो अब जो मैंने बाकी ये जो बांटने वाले हैं ये अब मैं और आमिर थोड़ी देर तक जाके बांट आते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लें, नमाज पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह जाते हैं और बांट आते हैं। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। आज की वीडियो के बारे में हमें जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्ला खैर, अल्लाह हाफिज़।